रविवार को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2019 के आम चुनाव की गणना 23 मई 2019 को होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राज्य में आधुनिक मॉडल की M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को VVPAT के साथ सभी मतदान केंद्रों पर प्रयोग किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज पूरे देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तारीखें ऐलान करती है, उसी के साथ जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाता है। तो अभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है पूरे देश में एप्लीकेबल हो गया। अब हमारा जो है, आप लोग सब ने जो है वो न्यूज़ देख ली होगी कि हमारा जो है 6th फेज में हरियाणा का चुनाव, एक सिंगल फेज में पूरे के पूरे 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव एक ही फेज में 6th फेज में जो ना किया जाएगा। इसमें लाइन ऑर्डर की जो ना पूरी जिम्मेवारी जो ना उसको जो ना निभाया जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी चुनाव तो हमारा बहुत बाद में है, परंतु एरिया डोमिनेशन के लिए जो ना फोर्स जो ना आनी शुरू हो गई है। तो 3 कंपनियाँ जो है ना बहुत जल्दी जो है ना नेक्स्ट वीक में जो ना हमारे यहाँ जो ना पहुँच जाएगी एरिया डोमिनेशन के लिए। मशीन्स जो ना हमारे सारे के सारे जो ना आ चुके हैं, उनकी जो ना चेकिंग चल रही है। 1 हफ्ते के अंदर जो ना उनकी चेकिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। इस बार 2019 में 31 जनवरी को इलेक्ट्रल रोल प्रकाशित की गई। इस प्रकाशित इलेक्ट्रल रोल में 1.74 करोड़ जो ना वोटर्स वो रजिस्टर्ड हैं, और इनमें से 81.48 लाख जो है वो फीमेल वोटर्स हैं और 93.06 लाख जो है मेल वोटर्स हैं। ईपिक 100% लोगों को इशू किया जा चुका है और बाकी कंटिन्यूस अपडेशन में अभी भी वोट जो ना वो लोग जो ना बनवा रहे हैं, जो बना रहे हैं उनको साथ के साथ वोट बनने के बाद ही 10 दिन के अंदर अंदर उनको ईपिक इशू कर दिया जाता है। हमारे सारे वोटर्स के इलेक्ट्रल रोल में जो ना उनके जो ना फोटो हैं, और 100% हमारा ऐसा राज्य है जिसमें 100% इलेक्ट्रल फोटो वाले हमारे वोट इलेक्ट्रल रोल्स हैं। टोटल पोलिंग स्टेशंस 19,425 होंगे इसमें। इसके अलावा कुछ ऑक्जिलरी बनेंगे जो उसी के बगल वाले कमरे में बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के नंबर ऑफ वोटर्स जहाँ जो ना जितने बढ़ जाएंगे। ग्रामीण एरिया में 1200 से ज़्यादा वोटर्स जिस पोलिंग स्टेशन पर हो जाते हैं कंटिन्यूस अपडेशन में बढ़ने के बाद, जो हम उसको 2 भाग में उसके बगल वाले कमरे में डिवाइड कर देते हैं ताकि पोलिंग बहुत लंबा ना हो जाए, लाइन बहुत लंबी ना हो जाए और लोगों को तकलीफ ना हो जाए। इसी के साथ हमारे टोटल 5,494 अर्बन एरिया में पोलिंग स्टेशंस हैं और 13,931 रूरल एरिया में पोलिंग स्टेशंस हैं। ऑक्जिलरी पोलिंग स्टेशन की सूची जो आपको लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के बाद पता लगेगी, तो अभी उसमें महीना से ज़्यादा का समय पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनावों में EVM मशीन के प्रयोग के संबंध में मीडिया, राजनीतिक दलों व लोगों को जागरूक करने के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों व जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाएगा। ये EVM के संचालन व पूरी तरह से फिटनेस के बारे में मार्गदर्शन देंगे। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश TV।